कुमार त्यागी HPM केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज की किसान गोष्ठी में आयोजित सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग आप लोगों के जो बीच में आए हैं, जैसा कि आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, ये गन्ने के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो डॉक्टर कहा गया है वो किसान को ही सबसे बड़ा डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि जब से कोई भी फसल जमती है और जब तक करती है तो उसमें जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते हैं तो उसमें किसान जो है ये परिवर्तन डेली देखता है, इसीलिए किसान को ही सबसे बड़ा डॉक्टर कहा गया है। लेकिन हम बात करते हैं गन्ने की, तो गन्ने के बारे में समय समय पे कुछ कीड़े आते हैं, कुछ बीमारी आती है। यदि हम बीमारी की बात करें तो बीमारी में आपका रेड स्ट्रिप, रेड रूट और जो है पोका बोइंग आता है। यदि हम कीड़े की बात करें तो मुख्य रूप से 3-4 कीड़ों का अटैक हमारी गन्ने की फसल में होता है। उसमें जैसे दीमक है, सफ़ेद कीटार है, आपका कंसुआ है और टॉप बोलर है। तो ये टॉप बोलर है, ये 3-4 कीड़े हैं जो गन्ने की फसल में समय समय पे आते हैं। तो उनमें से जो 3 मुख्य कीड़े हैं, जैसे दीमक, सफ़ेद कीटार और कंसुआ, उसके लिए ये मेरी HPM कंपनी की ये देवसेना नाम की दवाई आती है। ये जो आप देख रहे हैं देवसेना, इस देवसेना को आप बुवाई के समय आपको ये देवसेना को लगाना है। लगाने का तरीका ये है, आप 125 ग्राम देवसेना लेंगे और उसको आधा लीटर पानी में घोल लेंगे और घोलने के बाद में वो रबड़ी सी बन जाएगी। तो बुवाई में ही जो आप DAP इस्तेमाल करते हैं या NPK इस्तेमाल करते हैं, उसी में इसको DAP का कट्टा खोल लिया। खोलने के बाद में जो 125 ग्राम आप लोगों ने देवसेना ली है उसको घोल के ऊपर ऐसे ऐसे करके इसको डाल लो और डालने के बाद में मिक्स कर दो। चाहे तो आप इसको बिखेर दो और बिखेरो ना तो कूर में ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं। डालने के बाद गन्ने के टुकड़े की बुआई कर दो और बुआई करने के बाद पाटा लगा दो। तो 15-20 दिन बाद जब गन्ने का जर्मिनेशन होगा तो उसी टाइम ये जो मेरी देवसेना है इसका लगाने का पहला फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। किस रूप में आपका एक दौरे से गन्ना जमेगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार गन्ने की आँख को दीमक खा जाती है तो वो उसकी वजह से जर्मिनेशन कम आता, तो वो नुकसान देवसेना के लगाने से नहीं होगा, गन्ना एक दौरे से जमेगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जिस टाइम अप्रैल और मई के महीने में जब गन्ने में कंसुआ आता है तो वो यदि आपने ये देवसेना बुआई में ही लगा दी है तो वो अप्रैल और मई के महीने में आपके गन्ने के खेत में कंसुआ भी नहीं आएगा, दूसरा फ़ायदा। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। जिस टाइम जुलाई का अगस्त का महीना होता है, आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा गन्ने का पूरा पौधा का पौधा सूख जाता है, उसके नीचे सफ़ेद गिंडार होती है जिसका लाल मुँह होता है, जिसको सुंडा बोलते हैं। वो जो गन्ने की बारीक वाली जड़ें होती है ना, जिनसे पौधा भोजन लेकर ऊपर तक पहुँच जाता, वही सफ़ेद गिंडार उन जड़ों को खा जाती है, जिसकी वजह से जब खा लेगी तो पौधा हमारा खुराक लेना बंद कर देगा और जब पौधा खुराक नहीं देगा तो पूरा पौधा हमारा सूख जाएगा। तो ये 3 कीड़े होंगे जिसमें ये फायदा करती है देवसेना, दीमक, सफ़ेद गिंडार और कंसुआ। तो ये तो थी मेरी तरफ से बताई जाने वाली जान।